नमस्कार और आप देख रहे हैं सिरसा पैकिंग और पल पल की एक खास रिपोर्ट। डबावाली में नादेड़ से लौटे महिला पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इसी के साथ हरियाणा में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ करके 349 हो गई है। आपको बता दें कि शुक्रवार को 7 मरीजों का इजाफा हुआ है। झज्जर जिले में एक बार फिर से 4 केस नए आए हैं, तो वहीं सिरसा के डबावाली में 2 केस और सोनीपत में एक नया मरीज मिला है। महाराष्ट्र में स्थित सिखों के प्रसिद्ध गुरुद्वारे हुजूर साहिब नादेड़ से बुधवार को सिरसा में डबावाली में 21 लोग लौटे थे। इन्हें क्वारंटाइन पर रखा गया, जिनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। इनमें से एक महिला और एक पुरुष पॉजिटिव पाए गए। इनमें से एक मरीज लोहगढ़ का रहने वाला है, तो जबकि दूसरा डबावाली मंडी का रहने वाला है। इन्हें डबावाली के एक कॉलेज में क्वारंटाइन किया गया था। अब रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें सिरसा के सिविल अस्पताल में लाया गया है, जहां पर इस समय इनका इलाज चल रहा है। इसकी पुष्टि सिविल सर्जन SK नैन ने की है। उन्होंने बताया है कि पॉजिटिव मिले दोनों मरीजों को सिरसा के नागरिक अस्पताल में दाखिल किया गया है, जिसके बाद इनका उपचार भी यहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि नादेड़ साहिब से पंजाब में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। इनमें से अधिकांश कोरोना संक्रमित मिले। झज्जर जिले में सब्जी मंडी आरती के रिश्तेदार भी पॉजिटिव पाए गए, जिनको मिलाकर के झज्जर में 4 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही ये एक बहादुरगढ़ सब्जी मंडी से जुड़ा केस भी है। यहां आपको बता दें कि 3 लोगों में से 2 का कनेक्शन सब्जी मंडी से जुड़ा है। ये आरती दिल्ली से आज़ादपुर सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आता था। आप देखें पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। परसों शाम को देर रात नांदेड़ से बसें आई थी पंजाब रोडवेज की, तो उनमें 18 लोग यहाँ डबावाली के थे जो उतरे थे। बॉर्डर पे ही उनको हमने मेडिकल जांच करी और मेडिकल जांच करके तुरंत उनको हमने फैसिलिटी क्वारंटाइन कर दिया था। और उनमें से 2 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। अब 2 लोग जो पॉजिटिव हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए सिरसा के कोविड अस्पताल में शिफ्ट कर लिया गया है और यहाँ पर उनका इलाज जारी है। बाकी जो 16 लोग थे उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन अम्बेडकर कॉलेज डबवाली में कर दिया गया है। वो लोग अब आने वाले 28 दिन वहीं रहेंगे और उनसे सिर्फ और सिर्फ मेडिकल टीम मिल सकेगी और कोई नहीं मिल सकेगा। सर वहाँ क्या कंटोनमेंट जोन वगैरह कहाँ बनाया गया है? BR अम्बेडकर कॉलेज डबवाली को कंटोनमेंट क्षेत्र घोषित किया है। सर ये 16 जिसके आपने सैंपल लिए गए थे, अब दोबारा उनमें आशंका बनी रहती है कि वो इसके इनके साथ आए हैं, तो ऐसे में दोबारा इनके फिर से सैंपल कब लिए जाएंगे? उनको डेली के तौर पे हमारी डॉक्टर टीम जांच करेगी, जब भी कोई सिम्टम डेवलप होगा तुरंत सैंपल लिए जाएंगे। सर ये कहाँ के रहने वाले हैं? क्या ये डबवाली क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और डबवाली के अंदर आसपास गांवों के हैं, और लेकिन हमने उनको गांव में नहीं जाने दिया, नहीं तो हमारे लिए समस्या ज्यादा बड़ी होती। लोगों से क्या कहेंगे सर इतने दिनों बाद? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करूंगा कि ये समय घबराने का नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग रखने का है, एक दूसरे से आप दूर रहें और जो दूरियां है वही हम सबको नज़दीक ला सकेंगी आने वाले फ्यूचर में। नहीं तो अगर हमने प्रशासन की बातें नहीं मानी तो वो दिन दूर नहीं कि हम किसी और समस्या में फंसते जाएं।